दोस्तों नमस्ते, आपका चैनल में फिर से स्वागत है। आप लोग मेरा चैनल व्यू कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। बाकी पॉइंट ऑफ व्यू ये है जी कि आज मैं फिर से एक फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग करने वाला हूँ। 30 अगस्त में जिन जिन की सिलेक्शन हुई है उसमें से एक जो सिलेक्ट अभी हुई है उनकी कुंडली मैं रीड करने वाला हूँ। जो कुंडली के बारे में बात करने से पहले कुछ बातें, जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दे रहा हूँ वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। उसी पर जब तक मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट नहीं करता जी कि कोई नंबर बदलने के लिए या कुछ और करने के लिए, आप उसी नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। किसी और कोई और कुछ भी बोले, आपको सिर्फ उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है जो मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर है, जो मैं टाइटल में हर वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ, मोस्टली हर वीडियोस में प्रोवाइडेड है। तो आप उसी नंबर पर मुझे कॉल करें अपनी फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग के लिए, अगर आपको कॉल करना है, या अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करना है, या आपको रिपीट करवानी है अपनी कुंडली, कुछ भी करना है आपको उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। किसी और नंबर पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी नंबर हो उस नंबर पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो प्लीज़ उसी नंबर पे कॉल करें, ठीक है। बहरहाल आज हम लोग एक और फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग करने वाले हैं 15 सितंबर से पहले पहले। आप अगर अपनी फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग करवाना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से मेरे को अपना डिटेल प्रोवाइड कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग कराना है तो कॉल एंड व्हाट्सएप प्रोवाइड कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पर्सनल रीडिंग हमारी होल पर्सनल रीडिंग होती है, उसमें सिर्फ एक चीज़ की नहीं होती है, पूरी कुंडली की रीडिंग होती है, उसके उपाय प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन कुंडली की रीडिंग होती है। उसके साथ में जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती है मैं उसको कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ, लेकिन होती कुंडली की रीडिंग है। और उसमें आपके सभी भावों के बारे में और आपके लाइफ के बारे में अधिकतम सवालों के जवाब प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। चलिए आज हम फ्री कुंडली रीडिंग पे जो दो सवाल प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके दो सवाल मुझे दिए गए हैं उसको उसके बारे में बात कर लेते हैं, और जिनकी कुंडली उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कुंडली सुनील जी की है। सुनील जी 45+ ईयर्स के हैं। अभी सुनील जी की कुंडली कुंभ लग्न की है। वाह, कल्याण का लग्न है। कुंभ लग्न मेरा पसंदीदा लग्न है, क्योंकि बोला देखा जाए तो मैं वैसे पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करते हैं लोग बाग, बट मेरा भी लग्न कुंभ का है सुनील जी। तो कुंभ लग्न की राशि का मैं भी बनता आता हूँ। मेरा भी लग्न राशि नहीं है, मेरी लग्न है, राशि मेरा दूसरा है। तो लग्न मेरा कुंभ है, आपका भी लग्न कुंभ का है। और केतु की आपकी क्या बोलते हैं अभी महादशा चल रही है, 2018 से चालू हुई है, 2025 तक आपकी महादशा केतु की चल रही है। इस वक्त आपकी केतु के अंदर गुरु की महादशा चल रही थी, अब शनि की, माफ कीजिएगा, गुरु की अंतरदशा चल रही थी और अब शनि की अंतरदशा लग चुकी है, जो 2024 तक चलेगी जून के महीने में, और उसके बाद बुध की महादशा चलेगी जो 2025 तक चलेगी। फिर आपकी महादशा 20 साल के लिए वीनस की लग जाएगी, शुक्र की लग जाएगी। आपकी कुंडली में आपने दो सवाल पूछे थे, एक्चुअली आपने 3 सवाल पूछे थे, उसमें आपने उसको दो बना, मतलब आप दो करें, चलिए जो भी है। आपने मुझसे पूछा था प्लैनेटरी पोजीशन, ग्रहों का मेरे कुंडली में क्या पोजीशन है। अब ग्रहों का पोजीशन तो सब कुछ दिख ही रहा है आपको, अभी मैं आपको बोल देता हूँ वो ग्रहों का पोजीशन है, बट इंटेंशनली शायद आप ये जानना चाहते थे कि ग्रहों जो ग्रह हैं उनका क्या सिचुएशन है और कैसा वो रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। एक छुपा हुआ सवाल है उसमें, तो अगर मैं वो सब कुछ बता दूं तो फिर दो सवालों का मतलब नहीं बचता। बहरहाल आज मैं अच्छे मूड में हूं और आप कुंडली आपका लगन मेरे लगन का है, तो थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगा जी कि आपको बताने का। दूसरा सवाल आपका रहा है जी कि फाइनेंशियली आपका स्टेबल का फाइनेंशियल और हेल्थ कैसा है। आपने क्या कब स्टेबल ये सब नहीं पूछा, फाइनेंशियल और हेल्थ पूछा है, तो मैं उसी की रिगार्डिंग आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। चलिए पहला कुंभ लगन। कुंभ लगन ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो सोशल वर्क में जाने की कोशिश करते हैं, वो सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं। कुंभ लगन का सिंपल लॉजिक ये है कि वो आदमी जो बिल्कुल मतलब अजीब सा है, अजीब सा मतलब ये नहीं जी कि दिखने में अजीब है, उसकी हरकतें कुछ ऐसी सी हैं जो दूसरों को समझ नहीं आती, लेकिन जो दूसरे करना चाहते हैं वो करके निकल जाता है, ठीक है, लेकिन उसका रास्ता दूसरा होता है, ठीक है। और जब वो रास्ता ढूंढ लेता है तो दूसरे उस रास्तों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कुंभ लगन के बारे में माना जाता है। दूसरी चीज़ कुंभ लगन के बारे में क्या मानी जाती है, कुंभ लगन के बारे में दूसरी चीज़ ये मानी जाती है कि कुंभ लगन का आदमी एक ऐसा आदमी होता है जो सोसाइटी में सबको लेके आगे बढ़ना चाहता है, सबकी ग्रोथ देखना चाहता है, सबका अच्छा देखना चाहता है, और वो उसके लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, उसे सोसाइटी में कुछ ना कुछ करने का
बहुत इंटरेस्ट होता है, और वो कुंभ लगन के लगन के लोगों का आप देखेंगे, जो भी कुंभ लगन के लोग हैं वो लोग हैप्पी गो रहेंगे सामने से, चाहे वो कितने भी परेशान हो अंदर से, लेकिन वो बाहर से हैप्पी गो रहेंगे, हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ लोगों को मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा कुंभ लगन, जो आपका लगन है इसके बारे में जो मैंने डिस्क्राइब करना था वो किया। अब बात करते हैं जी कि आपकी कुंडली में क्या हाल है। मून लगन में बैठा है, छठे घर का मालिक है, तो लोन वगैरह लेने से आपको आपके लगन को परेशानी भी होगी, लेकिन लोन आप लेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। आपके हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम देगा, क्योंकि छठे घर का मालिक पहले घर में बैठा है और शनि की दृष्टि पड़ी है और शनि के घर में बैठा है, तो मून यहाँ पे आपके लिए खास अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। सडन गेन बाय डेथ होगा, किसी की मृत्यु या कोई लॉस होने पे आपको कुछ गेन जरूर मिल सकता है। आपके बर्थ प्लेस से आप दूर जहाँ काम अगर काम करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मून वहाँ पे आपको सपोर्ट देगा, आपकी वाइफ के हेल्थ को लेके दिक्कत दे सकता है। शनि शुक्र और बुध तीनों सातवें घर में बैठे हैं, बिजनेस के घर में बैठे हैं, पार्टनरशिप के घर में बैठे हैं, वाइफ के घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप अगर लाइफ में पार्टनरशिप में जाते हैं, वाइफ के साथ बिजनेस करने जाते हैं, चलिए वाइफ का नहीं कहूँगा, पार्टनरशिप में जाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो हो सकता है आपको अच्छा फायदा मिले, क्योंकि बुध यहाँ पे पंचमेश हो के यहाँ पे बैठा हुआ है, छठेश और पंचमे अष्टमेश और पंचमेश हो के बुध यहाँ बैठा हुआ है, शनि लगन का मालिक हो के और बाहर का एक्सपेंसेस का मालिक हो के सातवें घर में बैठा हुआ है, और ये बाहर के लिए भी देखते हैं, बारहवें घर को हम बाहर सेटलमेंट या बाहर के लिए भी देखते हैं, तो बाहर से अगर कोई बिजनेस का डील करना चाहे तो आप कर सकते हैं। और शुक्र का तो कहना ही क्या, शुक्र यहाँ पे चौथे घर के मालिक, कन्वीनियंस और भाग्य के मालिक, सातवें घर के मालिक, पिता का मालिक, ज्ञान का मालिक, भाग्य का मालिक होके सातवें घर में बैठा है। शुक्र यहाँ पे बैठे हुए काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि इनके साथ कोई भी ऐसा ग्रह नहीं बैठा जो इनके लिए एनिमी माना जाए। शनि यहाँ पे शुक्र के मित्र है, बुध यहाँ पे शुक्र के मित्र है, तो शादी होने के बाद हो सकता है आपको अच्छा ग्रोथ, अच्छी बेनिफिट मिली होगी। लेकिन अभी आपका समय चल रहा है केतु का, महादशा आपकी केतु की चल रही है, केतु दूसरे घर में बैठा हुआ है, आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहा है, फैमिली में आइसोलेशन देने की देखने के चांसेस मिल रहे हैं। आपके एंसेस्टर प्रॉपर्टीज से लेके आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, या उससे आपका बिछड़ाव या सेपरेशन हो, आपके कुटुंब से आपका सेपरेशन हो, या आपको अकेला फील हो रहा हो अपने फैमिली के लोगों के साथ, मेम्बर्स के साथ, तो केतु ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। हेल्थ आपके आठवें घर में, आपने दो सवाल पूछे थे, फाइनेंसेस एंड हेल्थ। फाइनेंसेस का मैंने बोला, फाइनेंसेस मैंने अभी पूरा नहीं बोला, आगे बोलूँगा, अभी थोड़ा बोला, पार्टनरशिप वगैरह से आपको मिला तो अच्छी बात। दूसरा पॉइंट हेल्थ आपका यहाँ पे ख़राब रहने के चांसेस हैं, क्योंकि राहु और सूर्य दोनों पार्टनरशिप, वाइफ सबके मालिक होके सूर्य दितेश होके बैठे हुए हैं यहाँ पे, मारक होके बैठे हुए हैं, मारक घर में बैठे हुए हैं, सूर्य वैसे भी यहाँ पे मारक है। हाँ, इन लॉ से फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन सूर्य का उपाय करना पड़ेगा। राहु आठवें घर में बैठ के यहाँ पे सडन डेथ का कॉज बना सकते हैं, तो केतु के समय में अगर राहु चल रहा है तो इस समय आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस है, और हो चुके होंगे, क्या पता। अभी भी आपको केतु के समय में सावधान रहना ज़रूरी है, क्योंकि केतु राहु का कॉम्बिनेशन यहाँ पे खास अच्छा प्रोवाइड नहीं करेगा। हो सकता है कि सडन गेन प्रोवाइड करते केतु, यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट करता है राहु, माफ कीजिएगा, तो राहु यहाँ पे सडन गेन सूर्य के साथ मिलके प्रोवाइड कर दे, मैं ऐसे मना नहीं करता, लेकिन यहाँ बैठे हुआ राहु आपको हेल्थ में प्रॉब्लम देगा। मून आपका यहाँ पे छठे घर का मालिक होके पहले घर में बैठा है, तो मून भी आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बीपी हाई हो, या आपको शुगर की बीमारी हो, तो यहाँ पे मून और आपको राहु और सूर्य यहाँ पे आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। राहु के उपाय करने पड़ेंगे, मून के उपाय करने पड़ेंगे। सफ़ेद चीज़ का दान दीजिए, दूध पिलाने की कोशिश करिए, कुत्तों को अगर दूध पिलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें मून और राहु दोनों का उपाय हो जाता है, क्योंकि मून सफ़ेद चीज़ से रिलेटेड होता है, लिक्विड मटेरियल से रिलेटेड होता है, उसका आप दान दे रहे हैं, और अगर कुत्ते को खिला रहे हैं या पपीज़ को खिला रहे हैं या जानवरों को पिला रहे हैं, खासकर काले कुत्ते को पिला रहे हैं, तो राहु भी वहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। सूर्य के लिए सूर्य नमस्कार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सूर्य भावित गायत्री मंत्र का उच्चारण करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के लिए तो ये रही बात, फाइनेंसेस की बात करें तो बात ये हो सकता है जी कि अगर आप चाहें आपकी केतु की दशा
खत्म हो रही है 2025 में, मैंने जैसे आपको बोला बुध लगेगा, बुध यहाँ पे अच्छा फल देगा खराब फल भी देगा, लेकिन हो सकता है बुध की दशा जब लगेगी तो सडन गेन मिले और शनि की दशा में भी आपको अच्छा फल मिल जाए अगर आप मेहनत करें तो। लेकिन असली जब अंत महादशा शुक्र की लगेगी 2025 के बाद और 45 तक चलेगी, उस वक्त पर अगर आपकी माता जीवित है और आपके माता के साथ आपका रिलेशन आज अच्छा है, अगर अच्छा ना भी होगा 2025 तक आपका रिलेशन अच्छा हो जाता है तो माता के नाम पे आप बिजनेस कर सकते हैं। आपकी कन्वीनियंस आपको प्रोवाइड होगी, आपके वाइफ के थ्रू आपको कन्वीनियंस जरूर प्रोवाइड होगी, वाइफ के भाग्य से, आपके भाग्य से वाइफ को भी अच्छा मिलेगा, पार्टनरशिप का काम कर सकते हैं, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु सेकंड हाउस में बैठ के आपका फिक्स एसेट बनाने में दिक्कत दे रहा है, तो हो सके जी दिक्कत प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये भी देखना चाहिए जी कि 12वें घर का मालिक तीसरे घर में बैठा हुआ है, पंचमे शो के बैठा हुआ है, तो एजुकेशन लाइन में आपका बहुत अच्छा होगा, एजुकेशन से आप अपना फिक्स एसेट और अपनी आय का घर को भी देख रहा है, तो यहाँ पे केतु हो सकता है तो आपको प्रॉब्लम दे रहा हो फिक्स एसेट बनाने में, लेकिन अभी देगा, इसके बाद केतु का जब समय निकल जाएगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, शुक्र के समय में आपको अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, कोशिश करेंगे तो कन्वीनियंस गाड़ी वगैरह सब कुछ बनाने की किस्मत में आएगी। 2025 के बाद आपके लिए बहुत ही अच्छा समय चलेगा, आज के तारीख के हिसाब से तो बेहतरीन समय चलेगा। परमानेंट चीजें कुछ गलत है यहाँ पे, हेल्थ परमानेंटली खराब रहने के चांसेस, जब भी मून आएगा और खराब होगा, जब भी राहु आएगा तब खराब होगा, सूर्य की दशा में भी कुछ खास अच्छा नहीं चलेगा, तो हेल्थ को लेकर आपको कंसर्न बने रहेंगे। फाइनेंसिस लेकर कंसर्न इसलिए बने रहेंगे क्योंकि सेकंड हाउस में राहु बैठा हो, सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है और यहाँ पे एट्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है, इस कारणवश फाइनेंसिस में उतार चढ़ाव बने हुए रहेंगे, लेकिन शुक्र की दशा बेहतर होगी कंपैरेटिवली। एक और चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपकी एज 42-45 हो चुकी है, 42 ईयर्स के बाद राहु अपनी मेच्योरिटी एज पे पहुंच जाता है तो अपने असर कम कर देता है, तो राहु के असर यहाँ पे कम हो जाएंगे और आफ्टर 48 केतु के भी असर काफी हद तक कम हो जाएंगे, तो 2-3 साल की ही बात है, तो 25 तक शायद आप 48 के आसपास पहुंच जाए, जब 48 आप क्रॉस करते हुए होंगे तब आपकी लाइफ में अच्छी ट्रेजेक्ट्री दिखेगी, अच्छा ग्रोथ दिखेगा, शुक्र 20 साल के लिए आपको अच्छा भाग्य का साथ देगा, औरतों का सम्मान कीजिएगा, औरतों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शुक्र की महादशा। अभी के लिए उपाय करिए, केतु के लिए मैं बोलूंगा श्री गणेश जी की पूजा करिए, गणपति बाबा की पूजा करिए, कुत्तों को खाना प्रोवाइड करिए, डॉग फीड करिए, और राहु के लिए सरसों का तेल आप डोनेट कर सकते हैं शुक्रवार और शनिवार और मंगलवार को, और शनि भी उससे आपका मजबूत होगा, इस सब चीज़ों करने से और जो पहले बताया उन सब चीज़ों करने से आपके लिए अच्छा समय रहेगा, अच्छा समय कट जाएगा। केतु आपको यहाँ पे आइसोलेशन दे रहा है तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, सोशल वर्क में जाने की कोशिश करिए, अपना दिमाग शांत रखिए, वैसे आप शांत होंगे क्योंकि मून यहाँ बैठा है, लेकिन मन खराब होगा क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो उसका ख्याल रखिए, अगर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद।